करता पुरख निर्भय निर्वय अकाल मूरत अजूनी सैव गुर परसाद जपवाद सच युगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच जपवाद सच युगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय बादशाही दसवीं हमरी करो हाथ दर अच्छा पूरन हुए चित की इच्छा हमरे दुष्ट सब तुम पाओ आप हाथ दे मोहे बचाओ मोर अच्छा
सब बैरन को आज संगरी है। तुम्हें चाट कोई अवर न त्याऊ जो बर चाहूं सुकुम ते पाऊ। आप हाथ दे मुझे उभरी है मरन काल का त्रास भरी है। राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे। काल काए ब्रह्मा बक तरा काल काए शिव जू अब तरा। जमन काल जो भी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू कियो। जमन काल सब जगत बनायो देव दैत गच्छन उपजायो। नमस्कार ते सही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी। कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पहचानत। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। जब उद करक करा कर तारा पर जा थर तब दे अपारा। जेते बदन सृष्ट सब थार है आप अपनी भूल उचार है। निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंग। ताको कर पाहन अनुमान महामूर कछ भेद न जानत। कहूँ पूर राजा है बैठा कहूँ सिमट पे शंकर कहता। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संग। कोई तो बारते हैं ताके काल कटने हैं। कृपा दृष्टन जाए नहर हो ताके ताप तक मोहर हो। एक बार दिल तुम्हें सवारा काल पास ते ताहे उबारा। सर्व तिहारी आप मात रहे हो गुबारी। सर्व टोर मोहो सहाई दुष्ट दोष तेरे हो बचाई। दुख भंजन तेरा नाम जी। दुख भंजन तेरा नाम। दुख भंजन तेरा नाम जी। दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहर आराधी है। आठ पहर आराधी है। पूरन सतगुर ज्ञान। दुख भंजन दुख भंजन तेरा नाम जी। दुख भंजन तेरा नाम। दुख भंजन तेरा नाम जी। दुख भंजन तेरा नाम।
चित कटवे से पार ब्रह्म सोई सोहावा काओ जम कंकर नेड़ ना आवई रस ना हर गुण
दुख पंजन तेरा नाम हे दुख पंजन तेरा नाम दुख पंजन तेरा नाम हे दुख पंजन तेरा नाम आठ पहर आरा दिए आठ पहर आरा दिए पूर्ण सतगुर ज्ञान दुख पंजन तेरा नाम हे दुख पंजन तेरा नाम तेरा नाम ये दुख भंजन तेरा नाम आठ पहर आरा दिए आठ पहर आरा दिए पूर्ण सतगुर ज्ञान दुख भंजन तेरा नाम दुख पंजन तेरा नाम दुख पंजन तेरा नाम हे दुख पंजन तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम वाहेगुरु भाणा मानना मन मेरे सतगुर के पानी चल भाणा जिसे भाणा मानने की दात मिल गई उसके जीवन से दुख खत्म खत्म क्योंकि उसके लिए दुख और सुख एक समान हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। और जो भाणा नहीं मानते वो दुखी भी होते हैं पछताते भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। देखिए हमारा एक्सीडेंट हो जाए कोई बीमारी लग जाए अब रोएंगे कुछ फर्क पड़ने वाला है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। शिकायत करेंगे गुरु से आके तूने मेरे साथ ये कर दिया कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। पर एक कमाल की पहलू है गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं अगर तू आके समर्पण कर देगा उस वक्त शुक्राना करेगा पाछा जो तू कर रहा है वो सही है मेरी मति छोटी है मुझे ज्ञान नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। जो तू कर रहा है वही सही है अगर समर्पण कर देगा गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं तेरे दुख गुरु काट देगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। कमाल का पहलू है ये। अगर भाणा मानने के दांत मिल जाए तो क्या होता है? गौतम बुद्ध जी बड़ी प्यारी घटना है अपना एक शिष्य जो तैयार हो गया प्रचार के लिए उसका नाम आया इतिहास में पूर्ण। गौतम बुद्ध जी उसे बुलाकर कहते हैं पूर्ण क्या सोचा है अब तूने किस तरफ जाएगा प्रचार करने लोगों को सही रास्ता दिखाने दुनिया भटकी हुई है दुखों में जल रही है। तो पूर्ण कहता है फलाने जगह पर जाऊंगा मैं। गौतम बुद्ध हैरान होते हैं कि वो जगह उस जगह पर तो बहुत ही क्रोधी स्वभाव के लोग रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। बड़े ही दैत्य मानसिकता है उनकी दैत्यों के जैसे मरने मारने पर उतर जाते हैं कोई ज्ञान की बात सुनने को तैयार ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। तू वहां जाएगा? पूर्ण कहने लगा हाँ मैं जाऊंगा। गौतम बुद्ध कहने लगे जाने से पहले फिर मेरे तीन बातों का सवालों का जवाब दे मैं देख लूं तू प्रचार करने लायक है वहां पर के नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। ध्यान देना साथ संगत। गौतम बुद्ध पूर्ण से पूछते हैं अगर तू वहां जाएगा तू सत्संग कर रहा है वो लोग तुझे बड़ा बुरा कहने लगे इकट्ठे होकर तुझे गालियां देने लगे भला बुरा कहने लगे तब तू क्या सोचेगा तू क्या करेगा? तो पूर्ण कहता है मैं गुरु का शुक्राना करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। उन लोगों का भी शुक्राना करूंगा पर प्रभु का भी शुक्राना करूंगा। गौतम बुद्ध पूछते हैं क्यों?
वो तुझे गालियां दे रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं, तू शुक्राना क्यों करेगा? कहने का उनका शुक्राना इसलिए करूंगा कि भला बुरा ही कहे, गालियां ही दी है, पीटा नहीं। यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु तूने बचा लिया, इन लोगों ने मुझे भला बुरा ही कहा है पर पीटा नहीं। गौतम बुद्ध मुस्कुरा पड़ते हैं, यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। कहते हैं बता, अगर वो तू सत्संग कर रहा है तुझे पीटने लग जाए, यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर तुझे पीटने लग जाए तब क्या करेगा? तो पूर्ण कहते हैं मैं शुक्राना करूंगा, यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गौतम बुद्ध फिर पूछते हैं अब क्यों शुक्राना करेगा, अब तो तुझे पीट रहे हैं। कहने लगे हाँ मैं उनका शुक्राना इसलिए करूंगा कि उन्होंने मुझे पीटा पर जान से नहीं मारा, यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पीटा सही पर जान से नहीं मारा, भगवान का भी शुक्र करूंगा कि तूने बचा लिया, पिटाई तो हो गई पर मरा नहीं, यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बुद्ध मुस्कुरा पड़े पर तीसरा सवाल पूछा, अगर तुझे जान से मार दिया, अगर तुझे जान से मार दिया तब तू क्या करेगा? साथ संगत जी बात हो रही है बाणा मारने की, जिसकी ये अवस्था है उसकी सोच देखो, यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब तुझे जान से मार दिया तू क्या करेगा? कहने लगा फिर मेरी आत्मा भी शुक्राना करेगी, उनका भी और भगवान का भी, यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। गौतम बुद्ध कहने लगे अब किस बात का शुक्राना, तुझे तो मार दिया। कहने की शुक्राना इस बात का कि मौत तो एक दिन आनी ही है, मरना तो एक दिन है ही, पर गुरु की आज्ञा में लोगों की भलाई का काम करते हुए मरना ये किस्मत वालों को नसीब होता है। कमाल की बात है कि गुरु की आज्ञा में लोगों का जीवन बदलते हुए मरना, ऐसी मौत तो किस्मत वालों को मिलती है। मैं उनका धन्यवाद दूंगा जो मुझे मारेंगे, और उस निरंकार का भी धन्यवाद करूंगा कि तुझे मुझे ऐसी मौत दी, यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब गौतम बुद्ध ने कहा पूर्ण तू जा वहां प्रचार करने, तेरा कोई बाल भी वहां का नहीं कर सकता। जिसके मन की अवस्था ये है कि मारने वाले का भी शुक्राना, उसे कोई क्या दुखी कर लेगा, यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये है जो भाणा मानने की दात प्राप्त हो जाए जिसे, उसके जीवन में से दुख ही खत्म, हर पहलू में वह सुख ढूंढ लेता है, हर पहलू में। और हम ऐसे ना शुक्रे हैं, हर पहलू में सुख में भी दुख ढूंढ लेते हैं, यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सब कुछ दिया हो गुरु ने, सब कुछ दिया हो, छोटी सी बात हो जाए गुरु को शिकायत करने शुरू, शिकायत शुरू हमारी कि तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया। वाणी कहती है जो शिकायत करते हैं वो मनमुख, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जो शुक्राना करते हैं वो गुरुमुख, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बार दास, एक बार सारी संगत हाजिरी लगाओ, आंखें बंद कर लो, पीठ सीधी, ये अपने मन से कहो, मन से गुरु की हजूरी में बैठे हैं, गुरु नानक पाशा प्रतक बैठे हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में, गुरु नानक पाशा विराजमान है। गुरु ग्रंथ जी माने हो प्रगट गुरा की दे, गुरु नानक पाशा बैठे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं, झूठ हो सकता है क्या? यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब गुरु नानक बैठा हो, हम यहाँ उसके चरणों में बैठे हैं, जो मांगे वो देगा नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। विश्वास नहीं है हमें, ये मांगो गुरु नानक से, पाचा तेरे चरणों में बैठे हैं, अब और कहां जाएं, तेरे पास से ही मांगेंगे ना, ये दांत भाणा मानने की हमारी झोली में डाल दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महल सतगुर के पाने चल, सतगुर के सतगुर के पाने चल, सतगुर के पाने चल। मन मेरे सतगुर के गुरु के पाने चल, ओ
गुरु के पाण चल, सतगुरु के पाण चल। प्यास से बोलिए धन गुरु नानक। बचपन से एक कहानी सबने सुनी होगी, ये पढ़ाई में आती ही है, टेक्स्ट बुक में होती थी हमारे 8th स्टैंडर्ड में, कि राजा और मंत्री हमेशा साथ में रहते हैं। राजा म्यान से तलवार निकालता है, उसकी उंगली कट जाती है, मंत्री कहता है जो हुआ अच्छा हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक सुनी है ना सबने। ये राजा को क्रोध आ जाता है, मंत्री को जेल में डलवा देता है, कि इसमें क्या अच्छा हुआ, मेरी उंगली कट गई, खून निकला है। मंत्री कहता है जो हुआ अच्छा हुआ। राजा शिकार खेलने जाता है, आदिवासी पकड़ लेते हैं बलि चढ़ाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक शॉर्ट में बता रहे हैं दास। राजा कहता है मैं राजा हूं, आदिवासी मानते नहीं, बलि चढ़ाने के लिए तैयारी करते हैं। जब बलि चढ़ाने लगते हैं, देखते हैं इसकी उंगली कटी हुई है, छोड़ देते हैं क्योंकि ये अशुद्ध है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। ये बलि चढ़ाने लायक नहीं। राजा वहां से जाता है महल में, मंत्री को कारागार से बाहर निकालता है, कहता है तूने सही कहा था, जो होता है अच्छा होता है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर उस दिन मेरी उंगली ना कटती तो आज मैं मर जाता। पर राजा सवाल पूछता है मंत्री से, मेरे साथ तो जो हुआ अच्छा हुआ, तेरे साथ क्या अच्छा हुआ, मैंने तुझे जेल में डाल दिया। घर से बोलिए धन गुरु नानक। मंत्री कहता है मेरे लिए भी अच्छा हो गया ना, आप हमेशा मुझे अपने साथ रखते, अगर आप मुझे जेल में ना डालते मैं आपके साथ होता, वो मेरी बलि चढ़ा देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। ये है भाणा मानना, जिसे ज्ञान हो जाए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो उसे पछताना नहीं पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जो इस बात को नहीं मानता वो पछताता रहता है। जो शुक्राना नहीं करते गुरु का, जो ताने मारते हैं, वो दुखी भी होते हैं और पछताते भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बदलता कुछ भी नहीं, पर जो शुक्राना करते हैं साथ संगत, शुक्राना करने वाले के जीवन से दुख खत्म, क्योंकि उन्हें दुख दुख लगता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु की वाणी कहती है। कारण करता जो करे, सिर धर मन करे, शुक्राना राजी होए रजाए विच, उसकी रजा में राजी हो जाता है वो। इसलिए महापुरुष ये धारणा पड़वाया करते थे। एक धारणा पढ़ाया करते थे महापुरुष, याद आ रही है सत्य के, के पाचा उसका भाव ये था कि जो तुझे अच्छा लगे मेरा, मुझे ऐसा बना दे कि मुझे भी वही अच्छा लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो तुझे भाए वो मुझे भा जाए, बस मुझे इस लायक बना दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 मन मेरे सतगुरु के पाण चल, सतगुरु के पाण चल, ओ सतगुरु के पाण चल, चल चल सतगुरु के पाण चल। निज कर वसे अमृत पीवे, निज कर वसे अमृत पीवे, ता सुख लहे महल, सतगुरु के पाण चल, सतगुरु के पाण चल, चल चल सतगुरु के पाण चल, सतगुरु के पाण चल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
इन वाणी की पंक्तियों को श्रवण कीजिए, कितने कमाल की है। दूसरे गुरु नानक गुरु अंगद देव जी महाराज फरमा रहे हैं। एह कने ही आस की दूजे लगे जान, एक नहीं आश की दूजे लगे जाए, नानक आशिक का लिए सद ही बोलिए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितनी प्यारी पंक्तियां, इनके अर्थ समझने की कोशिश कीजिएगा। एक नहीं आस की दूजे लग गए जाए। गुरु अंगद देव जी महाराज कहते हैं आशिक होता है ना, आशिक दुनियावी पहलू समझाया है कि कैसा आशिक है ये। आशिक का मतलब क्या होता है, वो आशिक कैसा आशिक जो एक से प्रेम करता हो बीच में छोड़कर दूसरे से प्रेम करने लग जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो सच्चा आशिक नहीं कहला सकता, सच्चा आशिक वो जिसका प्रेम एक से हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक नहीं आस की दूजे लग गए जाए, नानक आशिक कांडिये सद ही रहा समाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फिर अगला पहलू बताते हैं आशिक की पहचान क्या है, सच्चे आशिक। यहाँ पर आशिक को ले लो गुरुमुख को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। वो कैसा गुरुमुख के दुख आए तो अपने गुरु को छोड़कर दूसरे से मांगने चला जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। वो गुरुमुख हो ही नहीं सकता। मानो घर में दुख आया, अब कोई आके कहता है फलाना बाबा आया है, उसके पास जाओ दुख दूर हो जाएगा, अपने गुरु को छोड़ के उसके पास चल दे, कैसा आशिक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो गुरुमुख कहला ही नहीं सकता जो अपने गुरु को छोड़ के दूसरे के आगे हाथ फैलाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा होए। गुरु अंगद देव जी महाराज कहते हैं कमाल है, जब गुरु कुछ देता है तो कहते हैं गुरु बड़ा अच्छा है, मेरा गुरु महान है, पर जब लेता है गुरु बुरा बन जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा हो, अगर कुछ बुरा हो गया तेरे साथ तेरे कर्मों के अनुसार तो दोष गुरु को दे रहा है, अब गुरु तेरा बुरा हो गया, छोटा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। ये गुरुमुख की निशानी नहीं है। आशिक ए ना आखिए जे लिखे वरते सोए। जो इंसान अपने दुख सुख के हिसाब से अपने गुरु को चुनता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। यानी कि दुख सुख के हिसाब लगाता रहता है, मेरा गुरु अच्छा है मेरा गुरु बुरा है, कि फलाने का गुरु अच्छा है कि फलाने का गुरु बुरा है, जो हिसाब किताब में पड़ा रहता है वो गुरुमुख वो सच्चा आशिक नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सच्चा आशिक कौन, चाहे गुरु अच्छा करे चाहे गुरु बुरा करे, गुरु बुरा करता ही नहीं, हमारी सोच का फेर होता है। साथ संगत प्रॉब्लम ये है, जो चीज आज हमें अच्छी लगती है हमारी सोच बदल जाती है, कल वो बुरी हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारे पास कसवटी, कसवटी सोने को परखना हो ना कसवटी होती है। आप ज्वेलर के पास जाएंगे ना सोना बेचने के लिए तो कसवटी पर घिस के देखता है असली है कि नकली है या कितने कैरेट का है, कसवटी होती है उसके पास। हमारे पास कोई कसवटी है ही नहीं, इसलिए हम हर बार धोखा खाते हैं। आज जिस चीज में हमें सुख दिखाई दे रहा है, मानो किसी को, मैं दुनियावी पहलू पे समझाऊं, किसी को, किसी लड़की को कोई लड़का या किसी लड़के को कोई लड़की अच्छी लगती है, गुरु से मांगता है हे भगवान मुझे ये मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मेरी शादी इससे हो जाए। अब शादी हो गई, अब असली चेहरे एक दूसरे के सामने आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब अरदास करता है कि हे भगवान मेरा छुटकारा दिला इससे, डाइवोर्स हो जाए। अब कोर्ट में पैसे भी देने को तैयार है, जान छूट जाए। अभी पहले वो सुख था, अब दुख हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए कहते हैं महापुरुष वचन करते थे, जब भी गुरु के आगे आके कभी गुरु से ये मत कहो ऐसा कर दे, गुरु से ये कहो अगर तुझे भाए तो ऐसा कर दे, मेरा मन है ऐसा करने का पर मुझे पता नहीं आगे मेरे लिए सुख है या दुख है, अगर तुझे भाए
तो दे दे, तुझे ना भाई तो मत देना। प्यार से बोलियो धन गुरु नानक। कहते थे गुरु बुरा होने ही नहीं देगा, गुरु पे छोड़ दो डोरी, पर हम गुरु पे छोड़ते कहां। धन गुरु नानक। मन मेरे मन मेरे सतगुरु के पार चल, सतगुरु के पार चल चल चल, सतगुरु के पार चल, सतगुरु के पार चल। प्यारा उदाहरण दिया है भगत फरीद जी ने। भगत फरीद जी समझाते हैं गुरुमुख की अवस्था कैसी हो, ध्यान से सुनना, भाणा मानने वाले की अवस्था कैसी हो। जो गुरु के भाणे में चलना शुरू कर दिया है जिसने, वो संत कैसा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फरीदा साहेब दीकर चाकरी, दिल दी लाहे परांद, दर वैसा नु लोड़ी है रुखा दी जीरांद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रुख कहते हैं पेड़ को। भगत फरीद जी पेड़ का उदाहरण देते हैं कि तेरी अवस्था पेड़ के जैसी होनी चाहिए। पेड़ क्या करता है पत्थर मारने वाले को भी फल देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खुद धूप सहता है, दूसरों को छाव देता है। ना शुक्रे जो उसकी छाव में बैठे हैं, उसी के तने को काट देते हैं उसे, कटने के बाद भी उनके बैठने का सहारा बनता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत फरीद जी कहते हैं अगर भाणा मानने की दात प्राप्त की है तो तेरी अवस्था ऐसी होनी चाहिए। रुखों की रुखा दी जिरांद, जैसे वृक्ष सिर्फ देना जानता है लेता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महाराजा रणजीत सिंह एक जगह बैठे हैं, एक पेड़ के नीचे बेर का दरख्त है, बेरी का। छोटे छोटे बच्चे पत्थर मार के बेर तोड़ रहे हैं। एक पत्थर आके महाराजा रणजीत सिंह की आंख में लगता है। अभी राजा है, सैनिकों ने दौड़कर पकड़ लिया उस छोटे बच्चे को, उसके घर वालों को भी पकड़ कर लिया है गांव वालों से कि आपके बच्चे ने पत्थर फेंका। तो सब जो महाराजा रणजीत सिंह से प्यार करते थे, सारे दरबारी क्रोध में आ गए, कहने लगे इसे सजा मिलनी चाहिए, इसके घर वालों को भी, बच्चे को भी। दरबार में बुला लिया महाराजा रणजीत सिंह, जिसको चोट लगी आंखों में, महाराजा भी बैठा है। सब कह रहे हैं इस बच्चे को भी सजा दो, घर वालों को भी सजा दो कि पत्थर मारा है महाराजा की आंखों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महाराजा रणजीत सिंह क्या कहते हैं, बच्चे से पूछते हैं कि भाई तूने पत्थर क्यों मारा पेड़ को। कहने लगा बेर तोड़ने के लिए। महाराजा रणजीत सिंह कहते हैं इस बच्चे को एक गांव इसके नाम पर लिखकर इसे इनाम में दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे दरबार हैरान हो जाता है कि इसने पत्थर मारा है आपके, आपकी आंख में चोट लग गई है और आप कहते हो इस बच्चे को एक गांव इनाम में दे दो लिखकर।
महाराज श्री रंजीत सिंह जी कहने लगे, जरा ध्यान से विचारो, एक पेड़ जिसे पत्थर मारा वो बेर दे रहा है, मैं तो राजा हूँ। एक पेड़ को पत्थर लगा वो बेर दे रहे हैं, मैं तो राजा हूँ, मुझे भी तो कोई इनाम देना चाहिए। यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये अवस्था गुरुमुख, यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक्चुअली ये अवस्था इतनी ऊंची है साध संगत जी, सुनकर इतनी हैरानी होती है। अगर कोई इस पर चल जाए, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, चल नहीं पाते हम। स्टेज पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान है, जब इन पर चलना पड़ता है ना, बहाना मानना पड़ता है, तो एक बार आदमी हिल जाता है। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर यह उम्मीद होती है कि पातशाह तूने अमृत वेले उठाया है, अपने चरणों में बुलाया, अपनी संगत बख्शी है, तो ये अवस्था भी बख्शेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस भरोसे पे यहाँ बैठे हैं, तेरे पुरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया, पूले चुके बारक तू हर पिता माया, तेरे भरोसे बैठे कि तू ये दात बख्शेगा। वाणी कितनी कीर्ति बात कहती है कि जो तेरा बुरा करे फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, जो तेरा बुरा करता है तू उसका भला कर दे। ये कहना बड़ा आसान है, जो बुरा करे जब तक हम उसका एक गाली दे, जब तक दो ना दे दें, रात को नींद नहीं आती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन। अगर उस वक्त कोई सामने ताकतवर आदमी, हम उसका जवाब नहीं दे सके, तो सपने में उसे लड़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन। ये तो हमारी हालत है। और फरीद जी कहते हैं, बुरे दा भला कर, जो तेरा बुरा करे उसका भला कर। पर इसकी इसका फल इतना बड़ा बताया है, देही रोग ना लग गई। अगर तूने ऐसा कर दिया, तेरी देही को शरीर को कभी कोई रोग नहीं लगेगा, पल्ले सब कुछ पाए, तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कितनी बड़ी दात है, पर शर्त क्या है, बुरे दा भला कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन। तेरा जिसने नुकसान किया तो उसका फायदा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए बाबा नंद सिंह जी ये वचन कहा करते थे कि बुरे नाल सा बुरी करन दे, माफ करन कई सियाने, पर बुरे नाल फिर नेकी करनी, इको गुरु नानक जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बुरे नाल फिर नेकी करनी, जो बुरा करे उसके साथ नेकी करनी, सिवाय गुरु नानक के या गुरु नानक के गुरुमुखों के कोई नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन मेरे 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 सतगुर के पाण चल, सतगुर के पाण चल चल चल, सतगुर के पाण चल, सतगुर के पाण चल। निज करवा से अमृत पीवे, निज करवा से अमृत पीवे, ता सुख लहे महल, सतगुर के पाण चल, सतगुर के पाण चल चल चल, सतगुर के पाण चल, सतगुर के पाण चल। Thank you.
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक बड़ी प्यारी ऐतिहासिक घटना है। ये घटना साबित करती है कि भाणा मानने की दात क्या होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक असल में तो जितनी भी सिखी है ये तो खड़ी ही भाणा मानने के दांत के ऊपर है। अरदास में हम कहते हैं जिना सिंगड़ी सिंगड़िया नी सिंगा सिंगड़िया नी तरब है शीश दिते बंद बंद कटवाए खोपरे लवाया चर खड़िया ते चढ़े आर्या नाल कटाए गए। ये सब कौन थे भाणा माना जिन्होंने। देखिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ना बड़ी विचार करने वाली बड़ी बड़े पहलू है इसके और बड़े गहरे विचार है इसके। भक्तों की बाणी का दर्जा और गुरुओं की वाणी के दर्जे में बड़ा फर्क है। यहाँ पर प्यार से बोलियो धन गुरु नानक। धन गुरु नानक भक्तों को जब तकलीफ आई उन्होंने गुरु को पुकारा, गुरुओं को जब तकलीफ आई भाणा माना। प्यार से बोलियो धन गुरु नानक। धन गुरु नानक बात को समझना। जब जब भक्तों को तकलीफ आई गुरु ने भक्तों को बचाया। जब तक गुरु के परिवार पे तकलीफ आई गुरु पे तकलीफ आई भाणा माना शक्ति नहीं बरता ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ी कमाल का पहलू है साथ संगत। अरदास करनी छोटी अवस्था है। अरदास में शुक्राना करना के जो तू कर रहा है सही है ये सबसे ऊंची अवस्था है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए गुरुओं को अपनी ये भाणा मानने की दात मानकर हमें समझानी पड़ी। मानकर गुरु अर्जुन देव जी महाराज तत्ती तवी पर बैठे हैं। वो गुरु अर्जुन देव जी महाराज जिन्हें आकर कहा गया कि हमें साईं मियां मीर जी आए थे ना गुरु अर्जुन देव जी महाराज के पास साईं मियां मीर जी आए थे ना जिन्होंने कहा कि आप इशारा करो एक लाहौर की ईंट पकड़ूंगा एक दिल्ली की ईंट दोनों को टकरा दूंगा दोनों शहर गर्क हो जाएंगे औरंगजेब का तख्ता खत्म हो जाएगा राज खत्म हो जाएगा। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहने लगे तेरे पास इतनी शक्ति कहां से आई। तो साईं मियां मीर जी कहने लगे आपकी कृपा से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक तब गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा अगर तुझ में इतनी शक्ति है कृपा से तो हमें कितनी होगी। साईं मियां मीर के सर पे हाथ रख के दिखाया था 33 करोड़ देवी देवता खड़े हैं जो मिन्नतें कर रहे हैं कि इशारा करो खत्म कर देंगे औरंगजेब का पूरे राज। पर गुरु अर्जुन देव जी तत्ती तवी पर बैठकर क्या कह रहे हैं तेरा किया मीठा लागे। सब कुछ करने की शक्ति रखते हुए उसे झरना हमें सिखा रहे हैं कि भाणा मानना किसे कहते हैं। छोटी छोटी बातों में शिकायत मत किया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक ये गुरु ने करके दिखाया। गुरु के सिख पे जब तकलीफ आई गुरु ने शक्ति वर्ताई पर जब अपने पे आई शक्ति नहीं वर्ताई भाणा मान के दिखाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इतनी घटनाएं आती हैं सिख ने कहां कहां बैठ के फरियाद की जहां भी बैठा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वहां पहुंचे सिख की रक्षा की। पर अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने शहीद करवा लिया वहां पर रखा नहीं की कि लोगों को बताया कि भाणा मानना इसे कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। थोड़ी सी सर दर्द होने लगे गुरु को शिकायत करने लग जाते हैं घुटने दुख रहे हैं गुरु को शिकायत। यहाँ पर सर कलम हो गए अपने सामने अपने बच्चों को शहीद करवा लिया और शहीद करवा के क्या कहते हैं कि तेरी दी हुई वस्त्र तुझे वापस कर दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक पर क्या कहते हैं यार दस अनुसत्थर चंगा मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा दा कहते मैं दुखी हूं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते निरंकार से हमें सिखा रहे हैं पर किस बात से तेरे विछोड़े से परिवार के विछोड़े से नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। पांचवें गुरु नानक के समय की घटना गुरु अर्जुन देव जी महाराज के पास एक सिख आया उसका नाम इतिहास में है गुरमुख। गुरमुख ने आके कहा पाचा आपने ये पंक्तियां तो लिख दी है वाणी में पर इस पंक्तियों पर चलने वाला कोई सिख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक और वो कौन सी पंक्तियां श्रवण कीजिए। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे जीवन मुक्त सो कहावे कैसा हरख कैसा उस सोग सदा आनंद कहना है विजो कैसा सवरण कैसी उस माटी कैसा अमृत कैसी
खाटी कैसा मान कैसा अभिमान कैसा रंग कैसा राजान सोवरताए साई जुगत नानक ओह पुरख कहिए जीवन मुकत हर से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक ध्यान से सुनना कि कोई ऐसा सिख है जिसका जीवन इस प्रकार से है आप कहते हो है प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे जीवन मुक्त सोई कहावे तैसा हरक तैसा सुख दुख सुख उसके लिए एक समान हो ऐसे सिख के मुझे दर्शन करा हो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने उस वक्त उस गुरुमुख से बात कही कहने लगे वाणी पर कभी शंका मत करना ये आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच तक है जब तक ये वाणी है सात संगत जी आज भी ऐसे सिख है क्योंकि वाणी है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक वाणी कहती है ये सिख हमेशा थे हमेशा रहेंगे ऐसे लोग जरूरी नहीं है कि वो स्टेजों पर बैठकर कथा करते हैं हम उन्हें ही बड़ा समझते हैं जो सफेद कपड़ों में दिखाई दे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक ये हमारी भूल है धन गुरु नानक धन गुरु नानक गुरु अर्जुन जी महाराज कहने लगे ऐसे सिख तो बहुत हैं पर तुझे एक सिख का पता बताते हैं उसके पास चला जा नाम बताया भाई भिखारी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक कहने के उसके घर चला जा तुझे सब ज्ञान हो जाएगा कि जीवन जो जो पंक्तियां एक एक पंक्ति पर वो सिख पूरी तरह से ढुकता है उसका जीवन प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु भाव उसके साथ पूरा मैच करता है ये जो पंक्तियां कह रही है सदा आनंद तय नहीं विजोग कैसा सुवर्ण तैसी उस माटी उसके लिए सोना और मिट्टी एक बराबर है उसके लिए अमृत और विष एक बराबर है उसके लिए मान उसके लिए अपमान एक बराबर है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु चाहे उसका मान करो वो फूलेगा नहीं चाहे उसका अपमान करो वो क्रोधित नहीं होगा प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक दुख आए सुख आए उसकी अवस्था एक ही रहेगी टिकाव में पर ऐसा कौन होता है इसे भाणा मानने की दात प्राप्त हो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक अब ये गुरुमुख पहुंच गया जाकर क्या देखता है कि भाई भिखारी के घर में शादी की तैयारियां चल रही पता चला कि इसके बेटे की शादी है कल घर में लोग नाच रहे हैं मिठाइयां बांट रहे हैं खुशी का माहौल है पर भाई भिखारी जिसके पास गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने भेजा जब इसे देखा तो ये शांत बैठा है ना इसे बहुत खुशी है ना कोई गम प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक और जब ध्यान से देखा भाई भिखारी को पता चला गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने किसी सिख को भेजा तो बड़े सत्कार आदर भाव से बिठाया और उनसे बातें करते हुए गुरु की एक सफेद कपड़े को सी रहे हैं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक गुरुमुख पूछता है सफेद कपड़ा क्यों सी रहे हो घर में शादी की तैयारी चालू आप ये क्या कर रहे हो तो भाई भिखारी जी कहते हैं इसकी जरूरत पड़ेगी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए सी रहा गुरुमुख चुप कर जाता है अगले दिन बारात जाती है घर से पर वापस क्या आती है अर्थी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक बेटे की बारात गई घर से डोली लेने के लिए पर डोली तो आई नहीं इसके बेटे की अर्थी आ गई प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक इसकी मौत हो गई इसके बेटे की जिसकी शादी थी अब सब रोने लग गए हैं घर वाले पर ये भाई भिखारी शांत है ना दुख ना सुख और वो जो कपड़ा कल सी रहा था वो कफन था प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु वो कपड़ा लाके इसने अपने बेटे के ऊपर चेहरे पर डाला तो गुरुमुख जो आया था जो गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने जिसे भेजा था भाई गुरुमुख वो हिल गया देखकर हैरान हो गया कहने लगा आपको पता था कि इसकी मौत कल हो जानी है तो भाई भिखारी मुस्कुरा पड़ा प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक कि आपको पता था इसकी मौत हो जानी इसलिए आप कफन सिल रहे थे अगर आपको पता था इसकी मौत हो जानी तो गुरु को अरदास क्यों नहीं कही के बचा ले कर्म बदल दे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक भाई भिखारी कहने लगा मैंने गुरु को अरदास की और मेरी अरदास कबूल भी हुई प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक भाई गुरुमुख कहते क्या अरदास कबूल हुई तुम्हारे बेटे की तो मौत हो गई क्या अरदास कबूल हुई तो भाई भिखारी ने कमाल का जवाब दिया सात संगत जी कहने लगा मैंने अरदास की वो कबूल हुई मैंने अरदास की कि पाछा जिस दिन तूने मुझे ये दाद दी थी ये पुत्र दिया था
उस दिन मैंने तेरा शुक्राना किया। तरस करना कल जब इसकी मौत हो तो मैं शिकायत ना करूं, कल भी तेरा शुक्राना ही करूं। ये भाने मानने की दाद मुझे बख्शना, और गुरु ने बख्शी, आज मैं उसका शुक्राना कर रहा हूं। जिसकी बस्त तिस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे, उसते चौगने करे निहाल, नानक साहेब। अगर कोई उसकी दी हुई वस्तु को उसके आगे खुशी से रख दे, जब वो वापस ले, कोई शिकायत ना करे, शुक्राना करे। वाणी कहती है चार गुना देता है प्रभु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये है भाणा मानने की दाद। पता है बेटे की मौत है, शादी भी नहीं रोकी, क्योंकि जो रमत जान लेते हैं वो राज नहीं देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बहुत ऊंची अवस्था है साथ संगत जी, ये शुक्राने की अवस्था है, शुक्राने की। चाहे कुछ भी हो, गुरु का शुक्राना हो। देखिए साथ संगत जी, ये अवस्था बातों से नहीं मिलेगी, बातों से नहीं मिलेगी। दास ने शुरुआत में ही कहा, जिन्होंने हाथ खड़े किए अमृत वेले उठते हैं, उन्हें यह अवस्था एक दिन जरूर मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर जो लोग अब मनमुख है, अभी तक अमृत वेला नहीं संभाला, उन्हें यह दात कैसे मिलेगी? अब वो लोग हाथ खड़े करो जो अमृत वेले नहीं उठते गुरु की हुजूरी में, वो लोग हाथ खड़े करो। आधी से ज्यादा संगत है जिन्होंने हाथ खड़े किए जो अमृत वेले नहीं उठते। साथ संगत जी, आप लोगों को दो मिनट में ले लूं। अमृत वेला, अगर जो पुरानी संगत है तो उन्हें पता है कि अमृत वेला क्या है, क्योंकि मैं हर बात में अमृत वेला होता ही है। 1430 अंगों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में गुरु नानक पातशाह ने केवल दिया है, एक चीज मांगी है, वो है अमृत वेला। एक चीज मांगी है। हिंदू धर्म में इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सिक्किम में इसे अमृत वेला, मुसलमान धर्म में पहली अजान अमृत वेले होती है। असल में तो ये धर्म, मुझे सच कहूं तो मुझे इस धर्म अक्षर से नफरत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज तक जितनी भी लड़ाइयां, जितने भी युद्ध, जितने भी घटिया काम हुए धर्म के नाम पर हुए, अगर ये धर्म ना हो, कोई सिख बनाने में लगा, कोई ईसाई, कोई सिंधी, कोई क्रिश्चियन, कोई मुसलमान, इंसान बनाने में लगो, इंसान, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अगर किसी को क्रिश्चियन बना दो, कोई चोर को क्रिश्चियन बना दो, तो वो चोर ही रहेगा, साधु नहीं हो जाएगा। किसी चोर को जबरदस्ती पकड़ के सिख बना दो, तो भी वो चोर ही रहेगा। उसके जीवन बदलो, उसकी जात नहीं। यहां से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वो बदलाव केवल बातों से नहीं आ सकता, वो आता है नाम से, नाम से। बदलाव आता है नाम जपने से, और नाम जपना, हम बाबा अनंत सिंह जी के वचन है, इंसान मर मर के जीने को तैयार है, दुख झेलने को तैयार है, नाम जपने को तैयार नहीं। उठो, इंसान क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता। अगर ये आधे लोग जो संगत बैठी उठ सकती है, आप भी उठ सकते हो। और ये उठना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। उठो अमृत वेले, अगर अमृत वेला छूट गया, अमृत ही छूट गया, जहर बचा है सारा दिन। फिर ये अमृत वेला संभाल लो। इंसान का जन्म दो बार होता है, एक बार जब माता के गर्भ में से बाहर आए, एक बार जब उसे ज्ञान हो जाए कि मेरा जन्म हुआ क्यों है। जिस दिन अमृत वेला बन गया, आपको ज्ञान हो गया आपका, उस दिन दूसरा जन्म हो गया समझ लो, क्योंकि आपको ज्ञान हो गया, जन्म हुआ। क्या इसलिए जन्म हुआ है कि दो दुकानें हैं चार हो जाए? क्या इसलिए जन्म हुआ है कि प्रॉपर्टी बढ़ा लें, कि नाम जायदाद बढ़ा लें? क्या इसलिए जन्म हुआ है? वाणी कहती है पई परापत मानुख देहोरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितने ना काम, मिली साथ संगत पाजे केवल नाम। नाम जपने के लिए तेरा जन्म हुआ है, और नाम जपना छोड़कर हम सब कुछ कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 250 सिंह अपने शहीद करवा लिए थे, हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए कि अमृत वेला कितना जरूरी है। 250 सिंह शहीद करा लिया, अमृत वेला कराना शुरू कर दिया। जंग के युद्ध के मैदान में एक तरफ लड़ाई चल रही है, एक तरफ सिख बैठे अमृत वेला संभाल रहे हैं,
250 सिंह शहीद हो गए, आकर बेनती की पाचा आज का दिन अमृत वेला ना करते तो 250 सिंह बच जाते। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने के, क्या कहता है दया सिंह, 250 सिंह सारे शहीद हो जाते, तू भी शहीद हो जाता, मैं भी लेखे लग जाता। पर इस दिन को, इस कथा को सुनकर, आज की घटना को सुनकर, आगे चलकर अगर एक सिक्का भी अमृत वेला बन गया कि अमृत वेला कितना जरूरी होगा, जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने युद्ध के मैदान में भी नहीं छोड़ा, इस घटना को सुनकर अगर एक सिक्का भी अमृत वेला बन गया तो यह सौदा महंगा नहीं सस्ता है। हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने प्यारे सिंह शहीद करवाए, हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए कि अमृत वेला कितना जरूरी है। आप ये सत्संग में आए हो, अपने काम धंधे छोड़ के दूर दूर से आए हो और सुनकर चले गए अमृत वेला नहीं बना तो व्यर्थ है ये तो फिर म्यूजिक सुन के चले गए, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा बज रहा था। जीवन तो बदलाव, अगर जीवन में बदलाव नहीं आया तो सत्संग थोड़ा है। ये तो थिएटर में फिल्म देख के आए, फिल्म देख के आती, जीवन में कोई बदलाव आता है क्या? फिल्म देखना और सत्संग एक बराबर हो गया अगर जीवन में बदलाव नहीं आता। बदलाव आना चाहिए, मन करे। अगर बाबा नंद सिंह जी कहते थे, सत्संग के बाद अगर गुरु के प्रति श्रद्धा ना बढ़े, गुरु के प्रति प्रेम ना बढ़े, नित्यनेम बढ़ाने का मन ना करे, अमृत वेले उठने का मन ना करे तो किस बात का सत्संग? ये तो फिर व्यर्थ समय गवा के आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी भी संगत बैठी है, हाथ खड़े करके गुरु के हजूरी में प्रण करो कि कल सुबह आने की पूरी कोशिश करेंगे 4:15। ये हाथ खड़े रखो एक मिनट के लिए, गुरु नानक से अरदास करो मन में, पाचा हाथ खड़े किए तू बाप पकड़ के उठा ले, हमसे नहीं उठा जाता, हम तो मूर्ख सारी जिंदगी से सोए हुए हैं, ना जाने कितने जन्मों से, आज तेरी हजूरी में बैठे हैं, तरस कर ये हाथ पकड़ ले। आज सारा प्रकरण शुक्राने पे हुआ है, भाणा मानने पे, तो आओ शुक्र करा मेरे दाता, पढ़ ले गुरु का शुक्राना कर दे, शुक्राना इस बात का कि सबने हाथ खड़े किए के सुबह आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किन्ना दिता है तू रब्बा, किवें जिक्र करा मैं, हर दम हर वेले तेरा शुक्र करा मैं, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, 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 शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। दरबार बुलाया शुक्र करा, चरना नल लाया शुक्र करा, दोषान बुलाया शुक्र करा, सानू अपना बनाया शुक्र करा, हंकार मिटाया शुक्र करा, तीरज उपजाया शुक्र करा, देखे न जताया शुक्र करा, सानू पार लंगाया शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे।
नमः शिवाय।
जय गुरु जी की। ओ